गुड मॉर्निंग दीपांशु. दीपांशु, जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है मेटल्स में अभी भी चमक बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्टिव यहाँ पर हुए हैं, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक फैग एंड पे है. कंसोलिडेशंस काफ़ी मच्योर हो चुके हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर मेटल्स में काफ़ी बड़े रिवर्सल फॉर्मेशन नज़र आ सकते हैं. तो उसी लिहाज से हमने जो स्टॉक चूज़ किया है वो है हिंद कॉपर. लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमने इसे एसपीएल मिड कैप शो में लॉन्ग टर्म कैटेगरी में कुछ ही हफ्तों पहले कवर किया था, अराउंड 120 के प्राइस लेवल के आसपास. बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली 2014 से अगर इसका डेटा देखे ऑन मंथली स्केल, तो वहां पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था 110 लेवल के आसपास. उसके बाद एक काफ़ी बड़ी परपेंडिकुलर रैली आई थी 195 तक की, जिसे हमने बार बार लगातार इस पर्टिकुलर चैनल पे कवर किया था. एंड जिस तरीके से वापस एक रिट्रेसमेंट हुआ है या फिर एक करेक्टिव रैली आई है नीचे में, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर रैली भी कहीं जाकर इस ब्रेकआउट पॉइंट के नज़दीक एग्जॉस्ट हो चुकी है. एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक फ्लैट वेव करेक्टिव है, जिगजैग करेक्टिव है, मुझे लग रहा है वो एक एडेड कंफर्मेशन है कि नियर टर्म बॉटम कहीं पे ऑलरेडी प्लेस हो चुका है. तो यहाँ से अक्यूमुलेट करना चाहिए हिंद कॉपर इस पर्टिकुलर काउंटर को. जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 90 के लेवल के आसपास के स्टॉप लॉसेस आपको मेंटेन करने हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस. बट जिस तरीके से मल्टी ईयर ब्रेकआउट है एंड पैटर्न जो इवॉल्व हुआ है, उसके टारगेट्स काफ़ी लंबे हैं. मुझे लग रहा है अराउंड 230 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगले एक साल से 1.5 साल में. तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, काफ़ी बढ़िया रिवर्सल जोर के आसपास वापस प्लेस्ड है काउंटर, जो जहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इसे रखना चाहिए. खरीदारी करनी है हिंद कॉपर में 230 के टारगेट के लिए.